हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले जो आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था 12 जनवरी को, उसके जो है क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि 8 मार्च को जो आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, इसी पैटर्न पर जो आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखेगा, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, आप उसे ज़रूर दबा लीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बिहार पुलिस से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होता है आपको सबसे पहले और 100% जेन्युइन न्यूज़ ही जो प्रोवाइड किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की थी कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाता है। तो देखिए, यूरोप के जो है कॉपरनिकस ने जो है सबसे पहले ये जो है खोज किया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश में पूछा गया था विथ अप्रोप्रिएट आंसर, मतलब कि यहाँ पर जो है कौन सा आपका सही होगा। तो देखिए, सोहन से दैट इट इज़ बेटर टू लिव इन द प्रेजेंट, यहाँ पे लिव जो आपका राइट आंसर हो जाता, तो ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आया था कि इंग्लैंड में जो है किस वर्ष में जो है ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी गौरवशाली क्रांति हुआ था। तो देखिए, इंग्लैंड में जो 1688 ईस्वी में जो है ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी गौरवशाली क्रांति हुआ था, तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का जो उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था। तो देखिए, पटना उच्च न्यायालय जो है ये आपका 3 फरवरी 1916 ईस्वी को जो स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि पुष्प के किस भाग से जो है केसर उत्पन्न होता है। तो देखिए, पुष्प के जो है वर्तिकाग्र और वर्तिका भाग से जो है केसर उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में जो है व्यापारिक पौने के बहने की दिशा पूछी गई थी। तो देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में जो व्यापारिक पौने की जो बहने की दिशा होती है ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होता है, तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों, एक मैथ से क्वेश्चन इस प्रकार से आया था, आपका पूछा गया था कि ए तथा बी एक जो है टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 9 घंटे को भर सकता है, तो नल जो सी है वो 12 घंटे में जो है खाली कर सकता है, तो यदि तीनों नलों को जो एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी जो है कितने समय में भरेगी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक इक्वेशन बना लेना था, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगा, ए जो है और बी जो है 6 घंटे तथा 9 घंटे में भरता है, तो यहाँ पे जो आपका इक्वेशन बनेगा 1/6 + 1/9 हो जाएगा, ठीक है। और नल सी जो है इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है, तो खाली करने का मतलब कि माइनस, तो 1/12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका इसका एलसीएम ले लेना था, ठीक है, तो इसका जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, 36 आएगा, और ऊपर हमारा क्या आएगा, 6 + 4 और माइनस यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो इसको जोड़ने पर हमारा 7/36 आएगा, तो इसको जब आप उल्टा करोगे तो 36/7 आ जाएगा, और ये जो हमारा इस पार्ट में दिया हुआ है तो आंसर जो हमारा आएगा वो ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है, 751, ठीक है, घंटा, तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका है दोस्तों, इंग्लिश में चूज द करेक्ट सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग टू सिंपल सेंटेंसेस, यानी जो आपका टू सिंपल सेंटेंस दिया हुआ, ठीक है, और आपको जो है सही जो है ऑप्शन चूज करना था। तो देखिए, आपका जो क्वेश्चन था कि दिस इज माय कज़न हिज नेम इज राज, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो दिस इज माय कज़न राज होगा, तो ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता दोस्तों कि बिहार में वह जिला जहाँ वर्ष 2001 और 2011 की अवधि में जो है सर्वाधिक 10 के जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई थी। तो देखिए, 2001 से 2011 तक जो अवधि में सर्वाधिक 10 के जो जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई थी बिहार में, वो मधेपुरा जिला में किया गया था, तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि रक्त का धक्का जमने के लिए जो है आवश्यक विटामिन कौन सा होता है। तो देखिए, रक्त का धक्का जमने के लिए जो आवश्यक विटामिन होता है
वो विटामिन के होता है। तो विटामिन के जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो कौन सा एक अकोशीय जीव है। तो देखिए इसमें से जो आपका अकोशीय जो जीव है वो जीवाणु है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि एड्स एक जो है जनित रोग है। तो एड्स जो है किस प्रकार का जनित रोग है, तो ये विषाणु जनित रोग है। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि निम्न में से जो है कौन सा युग्म जो है ये गलत सुमेलित है। तो देखिए कुंवर सिंह जो थे ये बिहार से थे, तो ये तो सही आपका। लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी से थी, तो ये भी सही आपका। नाना साहेब जो है ये अवध से नहीं थे, तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपका यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा युग्म जो है वो गलत सुमेलित है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि निम्न में से जो है कौन सी दवा एक जो है पीड़ाहारी दवा है। तो देखिए ये जो नोवालजिन दवा है वो पीड़ाहारी है, तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों यहाँ पे मैथ्स में क्वेश्चन आपका दिया हुआ था इस प्रकार से, यदि टेन अल्फा इक्वल टू के कॉट बीटा है तब कॉस अल्फा माइनस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वो कॉस के टर्म में दिया हुआ है, तो इस टेन को जो आपको साइन और कॉस के टर्म में तोड़ना था, ठीक है। तो देखिए ये कैसे टूटेगा, साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है और कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद के कॉट बीटा को जो है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस बीटा बाई साइन बीटा, ठीक है। तो ऐसे टर्म में आपको तोड़ना था। उसके बाद जो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, इक्वल टू के कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ठीक है। तो ऐसे जो हमारा साइन अल्फा और साइन बीटा का जो है वैल्यू हमारे यहाँ से मिल जाता है कि जो वैल्यू आएगा वो साइन बीटा और ये सॉरी के कॉस अल्फा आएगा और कॉस बीटा आएगा। तो ये तो हमारा इक्वेशन वन इसको मान लेना था। उसके बाद जो आपको क्या करना था दोस्तों कि कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला में जो आपको पुट कर देना था, ठीक है, इक्वेशन वन में। तो जैसे ही आप पुट करोगे तो आपका जो है वैल्यू आ जाता, तो जो वैल्यू निकल के आएगा वो आपका ए आएगा। ऑप्शन ए में जो वैल्यू है यही आपका जो है पुट करने के बाद आएगा, तो ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों निम्नलिखित में से जो है कौन कवि जो है ये छायावादी युग का है। तो ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे ये छायावादी युग के थे, तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों निजामती में जो कौन सा एकाकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है। तो देखिए ये जो ईशान है ये जो है विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है, तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों निम्नलिखित में से जो कौन सी गैस जो है ये धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए जो है मुख्य रूप से उत्तरदायित्व है। तो देखिए धरातल पर जो तापमान में वृद्धि के लिए जो मुख्य रूप से उत्तरदायी जो गैस है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से जो है किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को जो है अपनी रुचि की शिक्षा संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का जो है अधिकार है। तो देखिए अनुच्छेद 31 में जो है ये जो आपका प्रशासन करने का अधिकार है, तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों पूछा गया था कि लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था। तो देखिए लता मंगेशकर के जो पिता का नाम था ये दीनानाथ मंगेशकर था, तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों निम्नलिखित ऑक्साइडों में जो अम्लीय गुण का सही क्रम पूछा गया था। तो देखिए SO2 इंक्रीजिंग CO2, फिर उसके बाद CO, उसके बाद जो है N2O3, तो ये टर्म जो आपका राइट आंसर हो जाता, ठीक है, ये अम्लीय गुण के बारे में पूछा गया था, तो ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आया था दोस्तों कि निम्न में से जो कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो देखिए ये जो आपका निगम कर है ये अप्रत्यक्ष कर नहीं है, तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों फ्रांस में जो है पेरिस कम्यून की स्थापना जो है ये कब हुई थी।
तो फ्रांस में जो पेरिस कम्यून की जो स्थापना की गई थी ये 1871 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि मेहरुन निसा परवेज को जो है निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये जो मेहरुन निसा परवेज है इसे जो है पद्मश्री सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। इंग्लिश में पूछा गया कि चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। यहाँ पे जो आपको पैसिव फॉर्म जो चूज करना था तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट जो पैसिव फॉर्म होगा वो प्रोमिसेस शुड बी कैप्ट होता। तो ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप कह रहे थे दोस्तों एक समान गति दर्शन वाले वेग समय आलेख का जो है बाल क्या होता है। तो देखिए एक समान गति दर्शाने वाली जो वेग समय का आलेख का जो बाल होता है ये शून्य होता है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो ये कब पारित हुआ था। तो देखिए भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम पारित हुआ था ये 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह जो है मैं आपको डेली जो है 12 जनवरी के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे दोस्तों उसके जो है टोटल क्वेश्चंस करवा दूंगा 8 मार्च से पहले तक। तो आप वीडियो को जो है लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।